नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, एमपी शांति का टापू है, कानून बनाने से लेकर फांसी तक लटकाने का काम हमने किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखना चाहिए, टीएमसी के साथ खड़े होकर क्या कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने आगे कहा, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कुछ सोचे ही नहीं, बांग्लादेश में वे कहां हैं, झूठ छल कपट करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं चलते, ये बरसात के बुलबुले होते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी मोर्चियों 17 प्रकोष्ठों की संयुक्त सदस्यता अभियान के लिए बैठक संपन्न हुई। सदस्यता अभियान के लिए सभी मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जो लक्ष्य है उसे तो पूरा करेंगे ही, लेकिन उससे ऊपर जाकर के सदस्य बनाए जाएंगे। सबसे पहले 2 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी सदस्यता लेंगे, इसके बाद 3 तारीख को मध्य प्रदेश में हमारी सदस्यता होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 बूथ जो हम हारे थे, उन बूथों पर ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप हो, यह भी हमारा प्रयास रहेगा। ये सज्जन सिंह वर्मा टाइप के लोगों की बातों को वो अपने कांग्रेस के बारे में सोचें कि वो कैसे सदस्य बना रहे हैं, बनाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए, अपने जीवन को खपाकर काम करने वाले लोग होते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी, कभी आओगे देखोगे तो आपकी आँखें फट जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस लिए काम करता है। यहाँ कभी ये कांग्रेस नहीं है, या पदों के लिए या उसके लिए लोग काम करते हों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश और समाज के लिए अपनी भूमिका निभाता। देखिए, मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है कि मैं लोकसभा में अभी जब सेशन चल रहा था तब देख रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि कुछ लोग ग्रेसिंग अंक लेकर के पास हो गए, तो बड़ा उत्साह में। तो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, देश के अंदर भ्रम की राजनीति करने वाले लोग, और झूठ छल कपट और भ्रम की राजनीति की बरसात कभी हो गई, बुलबुले के तौर पर कुछ लोग खड़े हो गए, तो मैंने इस बात का उल्लेख किया, ये बुलबुले बहुत दिन नहीं चलते, बरसात का बुलबुला जल्दी ही समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जो 2047 का मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ जनता भारत को परम वैभव पर ले जाएगी, विकसित भारत बनेगा, ये 2047 का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों की सुरक्षा से लेकर कानून बनाने का काम, फांसी के फंदे तक लटकाने का काम किसी ने किया है तो पहला प्रदेश वो मध्य प्रदेश है। और आज की हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तो कड़े से कड़े कानून का पालन करने की भूमिका किसी की है तो हमारी सरकार की है। इसलिए यहाँ आप सोचना भी मत, यहाँ अगर कुछ इस प्रकार का करने का प्रयास करोगे तो उसका ठीक तो कर ही देंगे, लेकिन कांग्रेस को जरा पश्चिम बंगाल की तरफ देखना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां पर हमारी बहन के साथ इस प्रकार के अत्याचार होते वहां कहां है कांग्रेस, क्या कर रही है टीएमसी के साथ खड़े होकर के, क्या कर रहे हैं आप केरल के अंदर, आप नहीं बोलते, आप सब भूल जाते। इसलिए यह दोहरा चरित्र, मध्य प्रदेश में आपके प्रदर्शन आंदोलन से न कोई जनता सुनने वाली है, जनता जानती है या भाजपा की सरकार है, सक्षम नेतृत्व है, ऐसे लोगों को यहाँ अवसर नहीं मिल सकता। बाकी एग्रेशन अच्छी बात है, ये आपने कहा, ये जरूरी है। देखिए, समाज में कोई यूथ क्रिएटिव है लेकिन अग्रेसिव है, अब हम ये सोचें कि वो नहीं तो किसी काम का नहीं है, उसे दिशा देना। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा कि देश के अंदर युवाओं को दिशा अगर दी जाए तो वही युवा देश का अध्यक्ष बन सकता है, और बने लोग ऐसे उदाहरण दे सकते हैं हम तो, कि जिनको हम जोड़ते हैं और उनको जब दिशा मिलती है तो देश के अंदर उन्होंने इतिहास दिया। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, चंद्रशेखर आज़ाद का इतिहास अगर घर का देखेंगे तो घर के अंदर सबसे नटखटी बालक कोई था तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन आज़ाद रहे और देश के लिए बलिदान दे दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। तो देश के, मैंने उन युवाओं की बात की कि ऐसे युवा
उन्हें आज देश के अंदर पटल पर लाने की जरूरत है। हमने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी ये तैयारी है कि सभी मोर्चे हमारे जो बूथ हम हारे हैं, लगभग 15,000 बूथ हम लगातार चुनावों में हमारा एनालिसिस जो है, तो उन बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो, ये हमारा प्रयास है कि उन बूथों को जीतने का हमारा टारगेट है और जहाँ पर जीते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो। तो इस प्रकार से हारे हुए बूथों को भी फोकस करने का काम उन समाज वर्गों में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व ऐसा लगता है कि थोड़ा हम कहीं कमज़ोर हैं, तो उन स्थानों पर भी उस समाज वर्ग में अपना सक्षम नए नौजवानों का नेतृत्व खड़ा हो, महिलाओं को, नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज वर्ग से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय तक सबको सदस्यता के अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा, और समाज के डिफरेंट सेगमेंट के जो लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, नए यूथ एंटरप्रेनर हैं, इस प्रकार के लोगों को भी हम इस सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हमारा संकल्प है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।